हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप मस्त ही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एक नई सीरीज शुरू की है जो है जेईई नीट। और इसी सीरीज में मैं एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर के जेईई नीट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं कवर करवाता हूँ। और एक लेक्चर उसका हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो 11th स्टैंडर्ड का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें मैंने ये किया है, पूरे लेक्चर को इस तरह से प्लान आउट किया है जिसमें मैंने कुछ 7 या 8 क्वेश्चंस लिए हैं और वो सातों सात सात आठ क्वेश्चन जितने भी है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और यही टाइप के क्वेश्चन खास करके जेईई और नीट में आते हैं। वैसे तो एक लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म करना नामुमकिन है। यहां पर ये कोई मिक्सर ग्राइंडर की तरह, कोई भी मान लो आपको जूस बनाना है तो फ्रूट को डाल दिया और मिक्सर ग्राइंडर को ऑन कर दिया और जूस मिल गया, इतनी आसानी से काम खत्म नहीं होता, ये जेईई नीट है। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि एक लेक्चर के अंदर आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए। तो यहां पर इस चैप्टर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात है वो चैप्टर नंबर 2 है। ये हालांकि ये चैप्टर जेईई नीट के लिए काफी इजी है और इनमें से काफी क्वेश्चंस इजी आते हैं और टेक्सचुअल बेस्ड आते हैं। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक को खास करके टेक्स्ट बुक में से रीड कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Which of the following sets of quantum number represent the highest energy of an atom? ये चार में से highest energy कौन से atom के लिए होगा? यानी कि ये चार में से ऐसा कौन सा option show कर रहा है जो highest energy के लिए है? चलिए तो उसके लिए एकदम shortcut ये है कि जब भी आपको ये check करना है कि किसकी सबसे ज्यादा energy है, तो आप ये वाले formula को apply कीजिए, that is n plus l। जिसका भी n plus l का value high होगा वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, ठीक है। लाइक यहां पर हम करते हैं ए के लिए, तो ए में अगर आप देखोगे तो एन क्या है, तो एन की वैल्यू 3 है प्लस एल की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए आएगा 3। यहां पर ये ए के लिए है। हम बी के लिए देखते हैं तो एन क्या है, तो एन 3 है, एल क्या है 1 है, तो टोटल बन जाएगा 4। हम सी के लिए देखते हैं तो सी के लिए क्या आएगा, एन क्या है तो वो है 4 और एल क्या है 2 है, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। फिर डी लेते हैं, ठीक है, डी लेते हैं, एन क्या है 4, एल क्या है 0, तो ये बन जाएगा टोटल 4। अब आप देखिए इसमें से टोटल सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, तो देखिए ए का तो नहीं हो रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन अपना गलत। फिर बी का भी नहीं हो रहा है, ना ही डी का हो रहा है, तो बी डी बी कट हुआ, तो सही कौन सा हुआ, तो अपना सी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है जिसमें आपको ये देखना था हाईएस्ट एनर्जी इनमें से चार में से किसका होगा, तो ये देखना है आपको कि n प्लस l की वैल्यू हाईएस्ट किसकी है, वही देखना है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से, किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से लिखेंगे, ठीक है। और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहां पर देखिए कि यहां पर अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू 4π आएगा कि नहीं, क्या आएगा, एच अपॉन 4π। लेकिन डेल्टा पी क्या बनेगा, तो डेल्टा पी बनेगा एम डेल्टा वी, ठीक है, m डेल्टा v, यानी कि डेल्टा x यहां पर क्या है, तो डेल्टा x यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, यहां पर डेल्टा v यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसमें यहां पर ये फॉर्मूला में रख देंगे डेल्टा x इनटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4π आया। चलिए तो क्या करेंगे, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा x को फाइंड करना है, हम उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4π एम डेल्टा वी, ठीक है, एम डेल्टा वी। अब सबकी वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिया है इधर एक्यूरेट, क्या दिया है, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001% क्या करेंगे उसका, तो जरा देखिए मैं इसके लिए यहां पर लिखता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि डेल्टा वी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा,
तो क्या करोगे, अब यहां पर एक्यूरेसी बताया है, तो अब ये करोगे एक्यूरेसी के लिए कितना दिया है, परसेंटेज लिखना है आपको, पहले परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करना है, इनटू इनटू आपको वहां पर जो वी की वैल्यू दी है वो रख देनी है, वी की वैल्यू जो दी है वो डायरेक्ट आपको रख देनी है। चलिए देखिए परसेंटेज कितना दिया है, 0.001 दिया है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और वी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, तो वी की वैल्यू हमें यहां पर दी है इनटू 300, तो कुल मिलाकर इसका आंसर बनेगा 0. या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट इज 3 × 10⁻³। 3 × 10⁻³। चलिए अब सब यहां पर वैल्यूज रखते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³⁴, ठीक है कि नहीं, डिवाइड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या दिया यहां पर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 × 10⁻⁻, कितना आएगा 10⁻³⁰ kg, मल्टीप्लाई बाय यहां पर इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू 3 × 10⁻³। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, अब ये पूरी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.92 × 10⁻², ठीक है, 1.92 × 10⁻², इसका वैल्यू आएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। यहां पर हमने कौन सी फॉर्मूला लगाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4π, ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। फिर हमने इसके पूरी के वैल्यूज रख दिए हैं, ठीक है, और साथ में पहले हमने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करके फिर उसकी वैल्यू को रखा, सिंप्लीफाई किया, हमें आंसर आ गया, ठीक है। यहां पर ये सेकेंड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 4f में, तो इनमें से कौन सा सेट सही है। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, 4f है ना, क्या है, तो 4f है हमारे पास, तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा n l के साथ। याद रखना, आपको अगर क्वांटम नंबर दिया है और वो क्वांटम नंबर से आपको ऑर्बिटल ढूंढना है कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप क्या करोगे, एनएल की फॉर्मूला को लगाओगे, क्या करोगे आप, एनएल की फॉर्मूला को लगाओगे, एन यानी कि यहां पर बनेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल यानी कि एजिमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये यहां पर एन की वैल्यू 4 आ गई, इससे कंपेयर किया तो हमने, और यहां पर क्या है, एल इक्वल टू एफ है, याद रखना एफ कब आ सकता है, एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3, जब एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल होगा एस, जब 1 है तब होगा पी, जब 2 है तो होगा डी, और जब 3 है तो होगा एफ, यानी कि यहां पर हमें, यहां पर एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, ठीक है। अब आप इनमें से देखिए कि एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 3 कौन से ऑप्शंस के पास है, तो ये वाले ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में है, एन इक्वल टू 4 एंड एल इक्वल टू 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद रखना कंडीशन है एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल, यानी कि एन हमेशा एल से ज्यादा ही रहेगा, यहां पर दोनों इक्वल दिया है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग है और ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। अब याद रखना यहां पर, अब इनके आपको फाइंड करने, अब एन यहां पर देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एल एल अगर, हाँ एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है, एम की वैल्यू हो सकती है माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। अब यहां पर एल की वैल्यू हमारे लिए 3 थी, तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है -3 to +3, तो ये रेंज में ये दोनों में से किसकी वैल्यू आती है, तो ये +4 आता है क्या, नहीं आता इस रेंज में, तो ये वाला भी रॉन्ग है। क्या +1 आता है बच्चों, तो -3 से +3 में +1 तो आएगा ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3, तो यहां पर ये आ गया वैल्यू, यानी कि अपना सिर्फ ऑप्शन सी सही है बच्चों, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे जेई नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चन मैंने लिए जो ऑलरेडी जेई नीट में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 eV, देन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इट इज कितना होगा। चलो पहले तो आप ये देखो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, याद रखना जो 1 से 2 में जाएगा, 1 n = 1 से 2 में जाएगा उसको अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। फिर जो 3 तक जाएगा बच्चों, जो 3 तक जाएगा 1, 2 and 3, 3 तक जाएगा उसको अपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट हुआ।
चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आती है ई एन इक्वल टू क्या आएगा, ई एन इक्वल टू क्या आएगा 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी। ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, टेक्स्ट बुक में जरा ध्यान से देखना, खोल कर देखना टेक्स्ट बुक को। चलिए क्या आएगा यहां पर, एन की वैल्यू कितनी आएगी, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये ई एन इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 3 है, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 13.6, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, ग्रीन थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है इधर, क्या होगा तो 13 ई एन इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखते हैं, अब क्या होगा दैट इज 13.6 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर 1. क्या आएगा 51, 1.51, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा, 1.51 ईवी ऑप्शन ए रहेगा। कितना इजी, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई एन इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चलिए बच्चों लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है यहां पर के अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटॉन ऑफ 335 नैनोमीटर एंड एमिट्स एट वेवलेंथ इफ वन ऑफ एमिशन इज 680 नैनोमीटर द अदर इज व्हाट। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, ई इज इक्वल टू आएगा ई वन प्लस ई टू आएगा। अब बहुत ही इजी है ये, जरा ध्यान से देखना, या फिर इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बड़ा इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बड़ा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बड़ा 2 होगा। आपको लैम्बड़ा की वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो अपने लैम्बड़ा की वैल्यू है, और ये 680 है वो लैम्बड़ा 1 की वैल्यू है बच्चों, वो लैम्बड़ा 1 की वैल्यू है। चलिए तो आपको फाइंड क्या करना है, लैम्बड़ा 2 को फाइंड करना है, हालांकि ये पूरा एच सी कॉमन है तो कट हो जाएगा ना, तो क्या रहेगा, तो अब आप बनाइए 1 अपॉन लैम्बड़ा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बड़ा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बड़ा 2 आएगा, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं, रखते हैं 1 अपॉन लैम्बड़ा कितना है, तो 1 अपॉन लैम्बड़ा है हमारे पास 335 नैनोमीटर इक्वल टू 1 अपॉन क्या दिया है लैम्बड़ा 1680 और प्लस 1 अपॉन लैम्बड़ा 2 को फाइंड करना है। आप सब्जेक्ट बनाएगा बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका जो आंसर है वो बनता है 743 नैनोमीटर। आप सिंप्लीफाई कीजिएगा आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना, ये जो है ठीक है, पहले तो इसको इस साइड लाना है, यानी कि 1 अपॉन 335 माइनस 1 अपॉन 680, फिर एलसीएम ले लेना और लैम्बडा 2 को सब्जेक्ट बना देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला इधर ये वाली लगेगी, ठीक है, फॉर्मूला इधर ये वाली लगेगी। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा, यानी कि सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा, वो आपको देखना है। चलिए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले हम लिथियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। चलिए तो यहां पर लिथियम आयन है, Li माइनस है, तो हम यहां पर माइनस लिखते हैं, क्या आएगा 1s2 एंड 2s2 आएगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s1, लेकिन क्योंकि माइनस वन है यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो 2s2 बन जाएगा। चलिए बेरिलियम के लिए चेक करते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि 4, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है उधर, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है वहां पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। चलिए देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, तो ये बी माइनस वन है तो 1s2 2s2 एंड 2p1 आएगा। चलिए बोरोन माइनस के लिए देखते हैं, बोरोन माइनस के लिए देखते हैं, तो बोरोन माइनस में क्या आएगा, तो उनका यहां पर बोरोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, इलेक्ट्रॉन आया है तो ये बनेगा 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। और लास्ट जो अपने पास है वो कार्बन है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हुए हैं, यानी कि 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इतना याद रखना है, इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है, यानी कि सबसे रिएक्टिव कौन होगा, जो स्टेबल नहीं होगा वो रिएक्टिव होगा। तो देखिए जो भी ऑर्बिटल जीपी, जो भी एलिमेंट के ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं या फिर आधे भरे हुए हैं वो स्टेबल रहते हैं, तो वैसे कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि लिथियम माइनस वाला, वो तो गया। फिर कार्बन वाला ऑप्शन है तो वो भी गया, क्योंकि कार्बन माइनस जो है वो हाफली फिल्ड है, वो स्टेबल हो जाएगा। लिथियम भी हाफली फिल्ड है, फुल फिल्ड है, वो भी स्टेबल हो जाएगा।
रहेगी एक दो, एक यहां पर 2p में, एक इलेक्ट्रॉन है 2p में, दो इलेक्ट्रॉन यानी कि x में एक है और y में एक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला बनेगा क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि बेरिलियम -1 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्यादा इजिली ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2p1 वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजिली निकल पाएंगे बच्चों। इज इट ओके? चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयंस दैट इज इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपको ये देखना है जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया है उसका आइसोइलेक्ट्रिक वही मॉलिक्यूल होगा जिनमें वो मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो, और जो हमें दिए उनमें कितने हैं, दोनों के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो जो भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आते हैं। याद रखना जो भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर CO है, CO यानी कि कार्बन, कॉमन ऑक्साइड, कार्बन का कितना होगा जरा ध्यान से देखना, 6 होगा एटॉमिक नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, तो कुल मिलाकर यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना। चलिए तो ये चार में से 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास है देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। देखिए कार्बन साइनाइड है यहाँ पर, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, नाइट्रोजन में कितने होंगे, 7 होंगे, और -1 है यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन आया तो इसका हो जाएगा 14, तो ये ए ऑप्शन है, खत्म। यानी कि Cn- में भी 14 इलेक्ट्रॉन है और CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुए। अब बाकी के है या नहीं वो देख लेते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन तो नहीं है ना, चेक करते हैं। चलिए N2+1 है, तो आपने N2+1 की बात है तो N2 का टोटल कितना बनेगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, तो 7 प्लस 7 और +1 है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -1, तो ये कुल मिलाकर 13 बन जाएगा, तो ये नहीं है। फिर O2- देखते हैं, तो O2 का तो 16 होगा, -1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये भी नहीं होगा, 17 होगा, इसके भी 14 नहीं है उसमें। फिर N2-1 लेते हैं, चलिए N2-1 चेक करते हैं जरा ध्यान से देखना, N2 यानी कि 14 हो गए, -1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका 15 बन जाएगा टोटल, यानी कि उसमें भी 14 नहीं है, तो ये 1, 2, 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसके तो नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ए ऑप्शन इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो यहां पर अपने 7 क्वेश्चन खत्म हुए, अभी आप शांति से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे पास बोर्ड की लिमिटेशन थी इसलिए थोड़ा सा मैंने भर भर के लिखा है, बट आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से, और ये क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, अभी हम आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो फिर आगे हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये जो 8th नंबर का क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चलिए इनमें से ध्यान से बताइएगा कि इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर में ज्यादा, मतलब कि इन सेट ऑफ क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। चलिए तो आगे हमने देखा था कि आपको अगर कोई भी ऑर्बिटल बनाना है, इधर ही हमने देखा था, तब हम क्या करते हैं, एनएल की फॉर्मूला से ऑर्बिटल को बनाते हैं। यहां पर एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू जब 0 होती है तब एस ऑर्बिटल होगा, जब 1 होगा तब पी ऑर्बिटल होगा, यानी कि 3p ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और 3p में बताया है, यहां पर 3p में बताया है कि m इक्वल टू -1 ही है। अब पी तो के कौन से होते हैं, तो पी के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और उसका क्या होगा यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 and +1, आपको स्पेसिफाई किया है कि m इक्वल टू -1 ही है, यही वाला ऑर्बिटल है, तो एक एक सब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा 2। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जानबूझ के, मतलब कि बहुत ही बड़ी गलती कर लेते हैं और जोरदार गलती करते हैं कि n और l की वैल्यू मिल गई, यानी कि ऑर्बिटल 3p बना, तो वो लोग p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 सब ऑर्बिटल और एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा समझकर 6 में टिक करते हैं, और ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो गलत ढंग से जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उसके भी आंसर इंक्लूड करते हैं, तो बच्चों को ये लगेगा हाँ मेरा आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में भी दिया, यानी कि वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होगा, रूल्स को अप्लाई करना होगा, तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, तो यहां पर आंसर होगा 2, क्योंकि स्पेसिफाई किया है m इक्वल टू -1 ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू, चलो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डी ऑर्बिटल दिया हुआ है तो उसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट एन, सॉरी अंडर रूट क्या आएगा, एल इंटू एल प्लस वन, ये उसका फॉर्मूला होता है एच बार, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, अब क्या बनेगा यहां पर, एल की वैल्यू कितनी है डी के लिए, तो देखो हमने आगे ही देखा था एल की वैल्यू जीरो तो एस ऑर्बिटल, वन हो तो पी ऑर्बिटल, टू हो तो डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू टू आएगी। तो यहां पर इस इक्वेशन में हम टू को रिप्लेस करते हैं एल की जगह पर, तो टू इंटू टू प्लस वन यानी कि थ्री इंटू टू आ जाएगा अंडर रूट सिक्स एच डैश, ठीक है। तो ये अपना आंसर ये वाला आएगा सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आज के लेक्चर में मैंने ये ट्राई किया है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाए और जिससे पूरा चैप्टर मोस्टली कवर हो जाए। तो यहां पर हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए और 9 क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप के थे और ये सारे क्वेश्चन पास्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है नीट में, एम्स में और जेई में, एआई ट्रिपल ई में भी, और ऐसे क्वेश्चन मैंने फिल्टर आउट करके 9 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करवाया आपको। ये 9 क्वेश्चन के फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से इसको लिखकर मुझे ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। याद रखना जेई नीट को सॉल्व करना ऐसे तो कोई बड़ी हार्डवर्क या शक्तिमान बनने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करोगे, प्रॉपर रूल से जाओगे और कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। एक स्ट्रेटेजी बनाइए और स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर कीजिए। आपने देखा 11th के मैंने 2 चैप्टर आपको करवाए यहां पर जेई नीट के लिए, कितने ईजी थे। अभी ये खत्म होने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लग रहे होंगे, हालांकि इससे पहले लेक्चर से पहले आपको लगा होगा ये सारे चैप्टर्स बहुत टफ है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको काफी इजी लगा होगा। तो मेहनत कीजिए, अभी भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बने उतना हार्डवर्क कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, ये 9 क्वेश्चन को ढूंढने के लिए मैंने 2 घंटे बिगाड़े थे यानी कि यूटिलाइज किए थे और तब जाकर ये फिल्टर करके परफेक्ट 9 क्वेश्चन मैंने निकाले। और भी आप क्वेश्चन और भी रेफरेंस बुक से, मेरी कुछ अगर वर्कशीट है उनमें सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द रेगुलर टॉपिक्स विच आर गोइंग ऑन। टिल देन गुड बाय।